हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, जो शांति निकेतन था उसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिल चुका है और ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। तो देखते हैं क्या इस एडिटोरियल में। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग फॉर शांति निकेतन, द 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया एंड द 3rd इन वेस्ट बंगाल। तो इंडिया का ये 41st है और बंगाल का ये 3rd है, ठीक है, इज़ इनॉर्मसली वेलकम। आज 42nd का भी न्यूज़ मिल चुका है हमें, कौन सा है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है। एफर्ट्स हैड बीन अंडर वे सिंस 2010, दी 158th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर टू इंक्लूड दी बिरभम टाउन ऑन द लिस्ट, बट इट्स इनकॉर्पोरेशन कम्स एट अ पर्टिकुलर पोइग्नेंट मोमेंट वेन विजयविस भारती द यूनिवर्सिटी दैट टैगोर हैड सेटअप इज बेस्टेड बेसेट बाय इंटरनल क्राइसिस एंड बफेटेड बाय दी विंड्स ऑफ पॉलिटिकल चेंज दैट सीम टू हैव अफेक्टेड मोस्ट ऑफ इट्स स्टेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो देखिए, अभी उसका थोड़ा सा क्राइसिस का पीरियड हो रहा है क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये हम लोग जब 2010 में जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का 150th बर्थडे एनिवर्सरी था उस टाइम से हम लोग इसको पुश कर रहे हैं, पर ये अब मिल रहा है जब शायद वहाँ पे थोड़ा क्राइसिस का माहौल है। तो अच्छा है कि क्राइसिस के माहौल में कुछ गुड न्यूज़ आएगा तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आए। टैगोर्स एक्सपेरिमेंट विद एजुकेशन इन शांति निकेतन वॉज एंट्रेंच्ड इन बिलीव दैट ओनली रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी। देखिए, रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी कुड हेल्प वन ओवरकम दी कंस्ट्रेन ऑफ पेरोचियलिटी। ही सेटअप द पथ भवन रेसिडेंशियल स्कूल इन 1901। मतलब बताइए, उस समय इन्होंने हॉस्टल हॉस्टल वाले स्कूल खोले थे जिसमें रेसिडेंशियल स्कूल था, जिसमें रहने की भी फैसिलिटीज थी 1901 में। इनविजन एज अ ग्लोबल गुरुकुल, तो और इसके बारे में सोचा था इसको ग्लोबल गुरुकुल बनाएंगे। विजयविस भारती वॉज सेटअप इन 1921। तो जो आपका ये भारतीय, ये 1921 में सेटअप किया गया, ईयर आफ्टर गांधी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो जब ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को साल भर हो गया उसके बाद 1921 में इन्होंने ये भारती सेटअप किया था। विजवा भारती, ये विजवा भारती, विश्वा भारती मार्क एन एक्सपेंसिव इमेजिनेशन दैट कुड राइज अबव द टाइड्स ऑफ नेशनलिज्म स्वीपिंग थ्रू द कंट्री टू वर्क टुगेदर अ कॉमन ह्यूमैनिटी। इन हिज लेटर्स इन एंड हिज राइटिंग टैगोर रिपीटेडली एक्सप्रेसेस हिज डिससेटिस्फैक्शन विद द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड हेम्ड पीपल इन नॉट जस्ट एट होम बट ऑल्सो अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दैट बिकेम इवेंचुअली अ वेहीकल ऑफ हबरिस। हिज आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी His idea of university differed from Western model. Shanti Niketan was built with his idea of breaking down walls and building bridges between the natural world and the world that existed beyond the national boundaries. तो मतलब इनका जो गोल था शायद वो बहुत बड़ा गोल था। उन्होंने जो चीज़ सोचा है वो टाइम से बहुत पहले सोच लिया। कई बार ऐसा होता है ना, आप देखिए, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वॉल्स एंड बिल्डिंग ब्रिजेस बिटवीन किसके, नेचुरल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड दैट एग्जिस्टेड बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। तो इन्होंने नेशन से ऊपर होके सोच लिया था, शांति निकेतन की जो इनका आइडियोलॉजी था। बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, ठीक है, अमंग कलीग्स एंड नेबर्स, यूनिवर्सिटी टाउन दैट ऑपरेटेड ऑन आइडिया ऑफ फाउंडेशनल एम्पथी। देखिए, अब इसका आइडिया क्या था, फाउंडेशनल एम्पथी। In his time, Shantiniketan became a place where the world made its home in a nest. अब बताइए, तो मतलब ये वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन है बस, किसी कंट्री का नहीं, शांति निकेतन। यात्रा विश्वम भवती का निदम, अब देखिए ये क्या है, अब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है मेरा। विश्वा भारती इज मोटो, ये विश्वा भारती का मोटो है आपका। अनहिंडर्ड बाय टेरिटोरियल इमेजिनेशन ऑफ द नेशन स्टेट। तो मतलब ये जो हम लोग आज जो हमारा वासुदेव कुटुंबकम है ना, वन फैमिली वन वर्ल्ड की नेशन स्टेट से ऊपर उठ के इन्होंने शायद उस समय जो विश्वा भारती का इसका मोटो था उसका यही मतलब है। तो ये टाइम से बहुत आगे चल रहे थे टैगोर जी, इस चीज़ से हमें इतना तो पता चल जा रहा है। बट द टैगोरियन विजन हैज बीन इम्ब्रियल इन रिसेंट ईयर्स बाय वॉल क्लोजिंग इन ऑन विश्वा भारती लिटररी द फिगरेटिवली। देखते हैं क्या है। इन 2017 शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास द एजुकेशन विंग ऑफ RSS कॉल फॉर रिमूवल ऑफ टैगोर्स थॉट ऑन नेशनलिज्म फ्रॉम NCERT बुक्स। इन 2020 द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन टू बिल्ड
a boundary wall around the campus to distinguish the university from its surrounding reinforced this junction from its original vision of openness. तो आप मतलब इन्होंने लिटरली वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं बनाई थी कि इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है. हम लोग आज देखते हैं स्कूल, हमें पता है कि एक आउटर वॉल होता है हमारे स्कूल में, इनके विश्व भारती में नहीं था, उसमें अभी रिसेंटली एक बाउंड्री वॉल बनाई गई है कि उसको डिफरेंशिएट किया जाए. उनका थॉट प्रोसेस कितना बड़ा था आप सोचिए. दिस रेस्टफुल टू एंगेज विद द वर्ल्ड इज नॉट सिम्प्टोमेटिक ऑफ विश्व भारती अलोन. द एक्विजिशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज टैग माइट डिक्लेयर माइट देयरफॉर बी द राइट ओकेजन फॉर इंट्रोस्पेक्शन ऑन व्हाई द टेंजिबल हेरिटेज ऑन शांति निकेतन मैटर्स एंड ऑल्सो हाउ द लेगेसी ऑफ इट्स इनटेंजिबल हेरिटेज कैन बी अ रोड मैप फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज. तो देखिए क्या इसमें यही बताया जा रहा है कैसे यूनिवर्सिटीज दूसरे से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं. तो अब हम देखते हैं हमारे लिए इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट क्या है. सबसे पहले शांति निकेतन, शांति निकेतन ठीक है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. दूसरा आपका विश्वा भारती, विश्वा भारती हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. थर्ड आप देखिए इनका जो ओपननेस, ये इससे अनहिंडर्ड बाय द टेरिटोरियल इमेजिनेशन ऑफ, देखिए और ये इसका मोटो, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट हो जाता है. और यहाँ पे हमारा जस्ट अ सेकंड, एक आप देखिए फाउंडेशन क्या है इसका, एम्पथी, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. कब हुआ था स्टैब्लिश विश्वा भारती आपका 1921 में, और पथ भवन हुआ था आपका रेसिडेंशियल स्कूल 1901 में. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है. और आप देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको मिल गया है, तो उससे हम लोग एक मतलब सीख सकते हैं कि भाई जिसको हम लोग शायद वैल्यू नहीं कर रहे हैं पर दूसरे उसको वैल्यू कर रहे हैं. यहाँ पे आ जाता है इनटेंजिबल, इनटेंजिबल हेरिटेज. आप देखिए टेंजिबल तो वो हो गया जिसको आप छू सकते हैं, पर आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी ऐसी चीज है हम लोग छू नहीं सकते, तो ये आपका हो जाता है इनटेंजिबल हेरिटेज. और आइडियोलॉजी क्या है इनका, ये है अनहिंडर्ड बाय टेरिटोरियल इमेजिनेशन ऑफ नेशन स्टेट. तो ये शायद नेशन से ऊपर इन्होंने सोच लिया, जो आज हमारा हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो वासुदेवम कुटुंबकम हमारा मोटो था G20 का कि वन वर्ल्ड वन फैमिली. तो वन फैमिली अगर वन वर्ल्ड हो रहा है तो उसमें नेशन स्टेट का आप देखिए इतने मैटर नहीं करेंगे, तो शायद इससे हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं. तो इस आर्टिकल में इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि इनके आइडियोलॉजी देख के लग रहा है कि ये बहुत ही लर्न्ड पर्सन थे और अहेड ऑफ द टाइम इसको बोला सकता है, बोला जा सकता है अहेड ऑफ द टाइम ये थे. तो आप भी प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स. थैंक यू.